और इस वक्त सीधा हम आपको पश्चिम बंगाल लिए चल रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा पश्चिम बंगाल से, जहां पर चुनाव हो रहा है, वोटिंग चल रही है। आज 30 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से हिंसा की छिटपुट खबरें आई है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ये हमला किया गया है, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी के ऊपर हमला किया गया है। नंदीग्राम से बीजेपी के कैंडिडेट हैं शुभेंदु अधिकारी, और आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर अटैक किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं, और गाड़ी पर हमला किया गया, सारे शीशे तोड़ दिए गए। ये देखिए, ये पीछे का शीशा, उसके पास जो पिछला शीशा उसको तोड़ दिया गया, और इस दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है। हिंसा की खबरें और तस्वीरें सुबह से लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कुछ हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, जब एक टीएमसी कैंडिडेट को के साथ धक्का मुक्की का आरोप लगाया गया था, और अब शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया। शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं जिनकी यह गाड़ी है जिस पर अटैक किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के भाई पर हमला किया गया है। आगे देखिए, पत्थर मारकर शीशे को तोड़ दिया गया। आपको बता दें कि सुबह से जब वोटिंग चल रही है, उसके बाद से हिंसा की कुछ खबरें सामने आई हैं, और कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई हैं कि हिंसा के दौरान कुछ सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं, उन्हें भी चोटें आई हैं, गोली चलने की भी खबर मिल रही है। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के भाई पर अटैक किया गया है। सौमेंदु अधिकारी, जो कि शुभेंदु अधिकारी के भाई हैं, उनकी कार को निशाना बनाकर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी कार को रोका, उस पर पत्थर बरसाए, जिसमें उनकी कार के सभी शीशे टूट गए। इस अटैक में देखिए, इस अटैक के बाद क्या कार की हालत हुई है, कार के सभी शीशे टूट गए हैं। ये कार शुभेंदु अधिकारी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं नंदीग्राम सीट से, जो पश्चिम बंगाल की सबसे हॉट सीट है, जिसमें मुकाबला शुभेंदु और ममता बनर्जी के बीच है,